नमस्कार दोस्तों, पंचम भाव में चंद्रमा जब होगा तो उसके क्या फल मिलेंगे, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ दोस्तों कि कुछ हमारे पाठकों ने कमेंट्स के तहत हमसे ये जानने का प्रयास किया है कि अकाट्य सूत्र बताएं जब भाव में कोई ग्रह होता है। तो मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया है कि ये साधारणता सामान्य फल होंगे ग्रहों के वहां पे बैठने से, प्रोवाइडेड ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो ग्रह है वो किस राशि में, उच्च राशि में, नीच राशि में, या वो किस परिस्थिति में बैठा हुआ है, उस पर कौन सा दृष्टि संबंध है, ये सब भी काउंट करेंगे। तो ये अकाट्य सूत्र तो नहीं होंगे, लेकिन लबोलुआप ये रहेगा कि यहां पर बैठने से क्या ग्रह दे सकते हैं फल, ये डिपेंड करेगा लगन और राशि की महत्व को हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि यहां देखना पड़ेगा अगर वो खुद ही पीड़ित है तो वो क्या अच्छे फल दे सकता है। तो ये साधन से फल है जो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रमा जब यहां पर होगा तो जातक सहनशील, सौम्य, धनवान, आकर्षण, स्वास्थ्य, आकर्षक कार्य करने वाला, प्रेम संबंधों में अक्सर पड़ने वाला, स्त्रियों का रसिया, सुशिक्षित, अत्यधिक समृद्धशाली, सुप्रतिष्ठित, सतपुत्रों वाला और अच्छी माता पिता की संतान होता है और संगीत कलाओं से जानकारी रखने का प्रयास करता है, काव्य कला में उसकी रुचि होती है, स्त्री वर्ग से वो लाभ ले रहा होता है और उसकी स्त्री संतान बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने बताया, चंद्रमा हमेशा से स्त्री कारक रहा है और पंचम भाव संतान का होता है। तो बुद्धि में भी जब ये चंद्रमा बैठ जाएंगे तो जातक लिटरेचर की तरफ पढ़ना पसंद करेगा, काव्य को पढ़ना पसंद करेगा, संगीत सीखने का प्रयास करेगा, टेक्निकल कुंडली ये नहीं बना पाएगी, यानी टेक्निकल ज्ञान वो नहीं लेना चाहेगा। सामान्यतः इसकी पहली संतान जो है कन्या ही होगी और पुत्रों की अपेक्षाएं कन्याएं ज्यादा होंगी। जैसे मैंने आपको बताया, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार से लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि चंद्रमा चलायमान है और उसकी स्थिति आप देख सकते हैं घटती बढ़ती रहती है, तो अचानक धन लाभ योग बनते रहते हैं। जैसा पहले भी मैंने बताया कि ये एकादश भाव से सप्तम भाव होता है, साथ ही साथ पत्नी के द्वारा भी लाभ ये दे देता है, क्योंकि पत्नी को अगर आप देखें तो पत्नी का ये 11वां भाव बनता है और वहां चंद्रमा शुभ राशि का बैठ जाता है तो बहुत ज्यादा लाभ देता है। चंद्रमा मिथुन या मीन राशि में हो तो ये जुड़वा संतानें भी दे देता है। मिथुन राशि जैसा कि आप सब जानते ही हैं, वो मिथुन यानी मैथुन सबसे बनी है, तो दो संतान जुड़वा हो सकती हैं। चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो पुत्र अवश्य देता है और प्रसिद्धि भी देगा। शुभ फलदायक राशि में हो तो बहुत सारी संतानें होती हैं, यानी एक से ज्यादा संतान के योग तो प्रबलता से बन ही जाते हैं। पंचम भाव में वृषभ, मकर या कन्या राशि का जब चंद्रमा होता है तो कई जातक के जो है कई संतानें लड़कियां होती हैं, यानी कन्या संतानों का ये जातक पिता बनता है और अधिकतर संतान जो है इसकी जो है लड़कियां होती है, लेकिन अंतिम पुत्र भी होता है। मिथुन, तुला या कुंभ यानी वायु राशि का चंद्रमा जब होगा तो वो पुत्र संतान नहीं देता, केवल कन्या संतान ही देता है, अनुभव में ऐसा देखने में भी आया है। इसके अलावा 4-8-12 राशि का यानी कि जैसा कि मैंने बताया जल तत्व राशि का जब चंद्रमा यहां पर होगा तो कर्मश पुत्र और पुत्री दोनों देगा, साथ ही साथ जल तत्व का चंद्रमा जातक विशेष को चिकित्सक या वकील भी बना देता है और उसकी 3 पुत्री संतान भी होने के योग बनता है। पीड़ित चंद्रमा यहां जब होगा तो ये बुद्धि का और कारक का और ज्ञान का भाव है, तो जातक की स्मरण शक्ति बहुत क्षीण होगी, जातक को पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं, अस्थिरता दिमाग में रह सकती है और यदि शनि से देखा जा रहा हो तो जातक को धोखा मिलने की प्रबल संभावनाएं भी बन जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे चंद्रमा के पंचम भाव में साधारणता रूप से होने के फल। आप सबने सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।